आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ना है? अभी वास्तविकता में व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बड़े होता तीसरे चैप्टर में। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो डेरिवेशन है वो भी तीसरे चैप्टर में ही होगी। यानी इस वाले चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ इतना देखना है कि उस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, बस। यानी हमें समझना कितना है, व्हीटस्टोन ब्रिज को न्यूमेरिकल वे में समझना है, बस। डेरिवेशन देखनी नहीं है, जो कंडीशन लगाएंगे मान लेना ये होती हैं। तीसरे चैप्टर में डिटेल में होती है, किस प्रकार से होती है, क्लियर। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? इसे कंसिस्ट होता है पांच कैपेसिटर से। कितने कैपेसिटर? पांच। अगर पांच से ज्यादा है तो उसे रिड्यूस करके पांच मिली आते हैं। अब ये अरेंजमेंट कैसी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में वो देखना है। अब जो कैपेसिटर पढ़ोगे चैप्टर तीसरे में रेजिस्टेंस आ जाएंगे वहां पे। क्या आ जाएंगे? रेजिस्टेंस। तो नजर ऊपर रखना, बड़े टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ऊपर देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफाइन क्या है? डिफाइन ये, बड़े व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए फाइव कैपेसिटर, कंसिस्ट ऑफ ए फाइव कैपेसिटर और ए नंबर ऑफ कैपेसिटर विच कैन बी रिड्यूस टू फाइव। यानी इसे रिड्यूस करके पांच में ले आओ, क्लियर। अब ये दिखता कैसे सर्किट वो देखो। मान लीजिए बड़े ऐसे लाइन बना दिए और ये ऐसे बना दिया और ये बीच में एक कैपेसिटर है, इधर जो है एक दो तीन चार, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये, अगला ये, बड़े ये नेक्स्ट ये। बताओ टोटल कैपेसिटर कितने हुए? सी वन, ये हो गया सी टू, ये हो गया सी थ्री, ये हो गया सी फोर, ये हो गया सी फाइव। यानी पांच कैपेसिटर दिख रहे हैं। ये जो सर्किट दिख रहा है ये सर्किट के अरेंजमेंट किसके लिए है? व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। इतना आया नहीं आया? अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ से एक वायर लो, यहाँ से एक वायर लो, इस एंड का नाम एक्स लिखो, इसका नाम क्या लिख दो? वाई। ये और ये भी है, नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसे नीचे आएंगे और एक सोर्स लगा देंगे, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे आएंगे, बड़े सोर्स की सप्लाई भी मानते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। ये जो सर्किट दिख रहा है यही क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब जब चैप्टर तीसरा आएगा वहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस होगा, बड़े इधर हर जगह क्या होंगे? रेजिस्टेंस होंगे। उसको पूरा सॉल्व करना होगा, किरचॉफ का मेथड लगा के, सेकेंड लॉ लगाएंगे, लूप रूल लगाएंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे। बस यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे उतना समझेंगे ताकि न्यूमेरिकल लग जाए। क्या लग जाए? न्यूमेरिकल, क्लियर है क्या? अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मान लिया पांच कैपेसिटर देख रहे हैं, ये भी मान लिया। इसकी कंडीशन होती है, शब्द आएगा बड़े बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या आएगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये ब्रिज को बैलेंस कब बोलेंगे? तो उसकी कंडीशन क्या है? ये सी वन है, ये सी टू है, इन दोनों का रेशियो अर्थात सी वन बाय सी टू, अगर इनका रेशियो सी थ्री बाय सी फोर के रेशियो के इक्वल आ रहा है। नजर ऊपर बेटा, सी थ्री बाय सी फोर। तो ये कंडीशन क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की है। यानी कभी पूछे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, आप क्या बोलोगे? जब सी वन बाय सी टू और सी थ्री बाय सी फोर का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, तो ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। अभी ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मतलब है? डिटेल तो नहीं उतनी आवश्यकता जितनी की नीड है। तो बात यह है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये कंडीशन आ गई है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अर्थात यहां लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू मे वी वाई, और डाल के वी वाई को इधर लेके आओ, क्या आएगा? वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। या फिर बड़े इसे लिखने का तरीका है वी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात सही नहीं है। ये जब कर रहे हैं जब ब्रिज बैलेंस्ड है, यानी इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल सेम है, तो इस वाली ब्रांच पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, इस वाले पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। समझते हैं इसे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मान लीजिए इधर 10 वोल्ट है, बड़े इधर भी 10 वोल्ट है, बताओ बीच में चार्ज जा सकता है क्या? चार्ज जब ही आएगा जब डिफरेंस इन पोटेंशियल हो। मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा है,
अब ये अलग अलग है तो चार्ज फ्लो हो जाएगा। और हम ये क्या करें बेटा, इधर का पोटेंशियल सेम आए, सेम है, तो इस वाली ब्रांच पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा तो स्टोर भी नहीं होगा। कैपेसिटर तो एक डिवाइस है ना जो कि चार्ज को स्टोर करता है। जब चार्ज ही नहीं है तो स्टोर किसको करेगा? तो C5 तो कोई काम का ही नहीं है, C5 तो कोई काम का ही नहीं। और जब काम का ही नहीं है तो हटा दो ना, हटाना जब ही है जब ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस होगा तो ही होगा, ये होगा तो चार्ज नहीं होगा, तो हटा देंगे। अगर हटाएंगे बताइए सीरीज में होगा पैरेलल में होगा? ये किस में होगा? फिर किस में होगा? सॉल्व हो जाएगा आंसर। परंतु अभी यहां देख रहे हैं बीच में लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर, इसे भी हटा देते हैं। अब ये बताएं बेटे पोटेंशियल सेम कब आए? जब ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। मान लीजिए यहां 3 लिखा है, इधर 6 लिखा है, इधर 9 है, इधर 18 है। पहले चेक करना हमेशा रेशियो सेम है या नहीं है, ऐसे नहीं लगाया हटा दिया, पहले रेशियो चेक कर लो। बताओ 3 और 6 कितना आएगा? 1/2। 9 और 18 कितना आएगा? 1/2। यानी ब्रिज बैलेंस हुए, बैलेंस है तो पोटेंशियल सेम है। तो यहां पे थ्योरी लिख लोगे, थ्योरी क्या लिखोगे? इफ C1/C2 इज इक्वल टू में C3/C4 ब्रिज इज बैलेंस, या ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, एंड इन दैट केस के आगे बड़े पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? जब पोटेंशियल सेम आ गया, ये सब आ गया, उसके बाद क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, पहले ऐसे लिखोगे, पूरा ऐसे नोट करोगे। अब इसके बाद क्या लिखोगे? जब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो गए तो यहां कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो लिखोगे बड़े नो चार्ज इन C5, या फिर लिखो नो चार्जेस स्टोर इन C5। कोई भी C5 में चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, तो हेंस इट कैन बी बटे इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से हटा देंगे, सर्किट से, यानी इसको हटा देंगे। फिर सॉल्व करना तो आता ही है, ये पूरा मेथड होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर है क्या? तो ये बनाओगे पहले, उसके बाद में ये पूरा नोट करोगे, उसके बाद में ये, और इसे करने के बाद में क्या करना है, एक दोबारा डायग्राम बनाओगे जिसमें C5 नहीं होगा। उसके बाद में डॉटेड लाइन बनाओगे, ये सीरीज डॉटेड लाइन, ये सीरीज फिर पैरेलल, वो डायग्राम बना के भी दिखाओगे। 3 हटा देने यहाँ से, आइए मैं बना ही देता हूँ। बेटा इधर लेना, इधर देखो अगला डायग्राम क्या बनेगा, यहां से और यहां पे बेटा कैपेसिटर हटा दिए, याद रखना, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, नजर ऊपर, 1, 2, 3, 4 C1 है, C2 है, C3 है, और ये क्या है? C4 है। बताओ जब इसे रिमूव कर दिया है, अब ये दोनों किसमें है? क्योंकि ध्यान से देखो एक ही तार तो है यहाँ पे, यहां से अलग अलग तार थी ना, जो भी ऊपर चार्ज जाएगा सेम ही रहेगा। बताओ ये दोनों क्या है? इनका निकाल लोगे, इनका निकालोगे इक्विवेलेंट, दोनों किसमें होंगे? पैरेलल। तो ऐसे दिखा देना ताकि आपको पता रहे न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है? सीरीज, उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, देन इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। पता लग गया? पर हमेशा पहले क्या चेक करोगे? रेशियो आ गया होगा। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बच्चों ऊपर देखो, अच्छा बड़े वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन और रिमूव करना, इतना आगे। इसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग कुछ फॉर्म्स देखते हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, जिनमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होगी जिस फॉर्म में आपको सर्किट देखने को मिलेगा। तो एक हेडिंग डालो, सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटे क्या बोला हमने? सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए कॉपी को सब बंद कर दो बेटा। सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज,
बेटा ये सर्वे ऊपर देखिए हम हेडिंग क्या बोली थी, सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नजर ऊपर बड़े सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान से देखना इसे, चार केस पढ़ाएंगे ठीक है इसके अंदर। पहला मान लीजिए बड़े एक गोला दे रखा है, बीच में एक लाइन दे रखी है, इधर एक्स है इधर वाई है, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, इधर ए ए यहाँ लो बात सेमी है, बटे बी ले लिया, उसके बाद में चुन्नी निकालनी है ये वाली, एक दो तीन चार बीच में पांच, पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर तीसरा चौथा पांचवा, बताओ सेमी तो है, बस गोला ही तो बना दिया है, यानी ये भी देखेगा तो ये भी व्हीटस्टोन है, ये सी वन है ये सी टू है ये सी थ्री है ये सी फोर है ये सी फाइव है, इतना आ गया, यानी ऐसा दिखेगा तो भी व्हीटस्टोन की तरह ही करेंगे। क्या क्या करोगे, पहले बैलेंस चेक करोगे, रेशियो निकालोगे, अगर वो है तो सी फाइव को हटा दोगे, उसके सॉल्व कर लोगे, क्लियर। अच्छा सेकंड देखें, सेकंड ये है जो कि इजी, अभी मान लीजिए ये सर्किट थोड़ा ऐसे है, एक दो तीन चार, रुक जाओ भैया पांचवी गिनती आएगी, ये ए पॉइंट है ये एक्स है ये वाई है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये ऐसे करके और यहाँ बी है, बताओ इसमें सी फाइव कहाँ पे है, ये सी फाइव है मान लो बड़े ऐसी एक ऐसे करके कॉइल होती है ना वायर की कॉइल से पकड़ के ऊपर लेके आओगे तो बीच में ही तो आएगा, बाल्टी देखिए कभी, बाल्टी में हुक होता पकड़ने वाला, ऐसे ऐसे कर सकता है, तो मान लो ये बाल्टी का हुक है ऐसे करके खींच दिया ऊपर, अब बीच में से उठाओगे ना, तो ये कैपेसिटर बीच में है या नहीं है, बीच में है, ये सी वन है ये सी टू है ये सी थ्री है ये सी फोर और ये क्या है, अभी भी सेम तरीका होगा सॉल्व करने का, रेशियो चेक करो, बैलेंस आया बीच वाले को हटाओ सॉल्व करो, सीरीज सीरीज पैरेलल सॉल्व। अगला अब ये है तीसरा, परंतु तीसरा बनाया ना बनाए, चलो बना देते हैं जितनी जगह तो है, बड़े ध्यान से देखें, चार होते हैं, चार में से एक ही होता है डब्बा वाला जो कि आ नहीं पाएगा समझा नहीं पाएंगे यहाँ पे, पहले छोटा वाला बनाते हैं, छोटे ये एक दूसरी लाइन ये पॉइंट यहाँ खींच दिया ये पॉइंट यहाँ खींच दिया, और मान लीजिए बीच में कैपेसिटर है यहाँ पे ये एक्स ये वाई दो इधर एक कैपेसिटर ये रहा एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, ये सी वन है ये सी टू है ये सी थ्री है और ये क्या है सी फोर है, बताओ ध्यान से देखो वापस से सेम ही तो है या तो है बीच में ही तो है, ये सी फाइव है, इसको रिमूव कर दोगे हटा दोगे, अगर रेशियो सेम है चेक कर लोगे बैलेंस हो जाएगा हटा देना, क्लियर। तीन हो गए और एक और होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, ये तीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, पहले से लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, बड़े चौथा डायग्राम देखो आप, और एक बात का ख्याल रखना चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो न्यूमेरिकल लगाएंगे चौथे पे ही लगाएंगे, और हो सकता है आपने स्कूल में चौथा देखा भी हो, आइए जरा देखना, आइए सारे बच्चे ऊपर देखें, बड़े चौथा समझो, और न्यूमेरिकल जो होंगे वो चौथे पे ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि वो सारे तो इजी है। मान लीजिए बड़े एक डब्बा या एक लूप बोल दो ऊपर है, एक डब्बा या एक लूप बोल दो नीचे है, क्लियर। अब यहाँ से बड़े एक कैपेसिटर ये रहा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वन रन्ने मूल नाल अंजी, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये बी, देखो यहाँ लिखा है एक्स यहाँ लिखा है वाई, पर आपको नहीं पता ये कैसे लिख दिया, हमने लिख दिया हमारी मर्जी, पर अर्थात समझेंगे क्यों लिखा बाद में बताऊंगा, बेटे इधर एक्स आएगा इधर क्या आएगा वाई,
ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, ये सी फोर है, ये सी फाइव है। नेमिंग तो आपकी मर्जी है, कुछ भी दे दो नेमिंग दे दी है, 1 2 3 4 5 जो अमन करे। पर ये नहीं पता बीच में कौन सा, कहोगे जो बीच में वही बीच में। पर वाह, अब ये तरीका क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट लूप है और ये क्या है सेकंड लूप है, याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बड़े तीसरे चैप्टर में भी कई न्यूमेरिकल आएंगे इस पे, और यहाँ कैपेसिटर में भी आते हैं। अब ये अरेंजमेंट दे देगा, देख के पता तो लगे कि व्हीटस्टोन है या नहीं है, ऐसे थोड़ा ना पांच दिखे लगा दिया, पता भी लगना चाहिए वैसे अरेंजमेंट है या नहीं है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट लूप में कौन कौन से कैपेसिटर हैं, 1 3 5 तो यहाँ लिखते हैं इन फर्स्ट लूप, बताओ कौन कौन से, सी वन है, सी थ्री है और सी फाइव है, यही है। बताओ सेकेंड लूप में कौन कौन से कैपेसिटर हैं, पांचवा, दूसरा, चौथा, तो इन सेकेंड लूप एक तो सी फाइव है, पीछे लिखेंगे सी फाइव को मजे आएंगे, एक सी टू है, एक सी फोर है, सी टू हो गया, सी फोर हो गया, और क्या है सी फाइव, दोनों में आ रहे हैं, यानी सी फाइव जो है इस कॉमन कॉमन है, जो कॉमन है वो बीच में आएगा। क्रिकेट में भी तो देखा है, फुटबॉल में जो कॉमन होता है बीच में ही आता है, क्लियर। तो ये हो गया बीच का, जो बीच का हो गया यहाँ एक्स डाल दो, यहाँ वाई डाल दो, क्लियर, पता लग गया। अब कभी भी ये डायग्राम आएगा, ध्यान सुनो, अब कभी भी ये डायग्राम आएगा तो इसका एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, हमेशा इसका एक नया डायग्राम क्या बनेगा, दिमाग लगाना, ऐसे लाइन बड़े, ऐसे लाइन, व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन सर्किट, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, बीच में लाइन आएगी ऐसे करके, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 1 2 3 4 5 मान लो जो भी यहाँ पे होगा, अगर 20 माइक्रोफेरेट पड़ा हुआ है तो 20 यहाँ डाल दोगे। तो अभी लिखते हैं C1, C2, C3, C4 और ये क्या है C5, यानी हमेशा एक नया डायग्राम बनाना, ये दे रखा होगा ये बनाना, फिर सॉल्व कर लेना। बताओ अगर यहाँ पे रेशियो सेम है तो बीच वाला हटा देंगे, सीरीज सीरीज पैरेलल हो गया, आंसर पता लग गया। फॉर एग्जांपल मान लो ये दो है, इधर देखो ये चार है, ये मान लीजिए तीन है, ये छः है और ये पाँच है, बताओ बीच में क्या आएगा, पाँच। सीवन कितना है, दो, ये कितना है, चार, ये कितना है, तीन, ये कितना है, छः, और ये सीवन C2 C3 जो मैंने लिखे हैं गिवन नहीं होंगे कभी भी, सिर्फ नंबर गिवन होंगे, 2 4 3 5 6, ये आपको डिसाइड करना है बीच में कौन सा आने वाला है, वो कॉमन जो है बीच में डाल दिया। अब यह आता है इसको हटा दोगे, क्यों, इनका रेशियो क्या है 1/2, इनका क्या है 1/2, बीच वाला रिमूव कर दोगे, उन दोनों का सीरीज, उन दोनों का सीरीज, देन पैरेलल सॉल्व, न्यूमेरिकल भी तो हो रहे हैं साथ के साथ। तो इन केस अभी तो हटा देते हैं इसे, क्लियर बड़े, इसका एक नया डायग्राम याद रखना, ठीक है, हमेशा लपेटो घसीटो ठापट के इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं। अगले न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल डालूं, क्वेश्चन नंबर पहला, आइए बेटे ऊपर देखें सारे बच्चे, क्वेश्चन पहला ये, मान लीजिए C1 है, C2 है, बड़े C3 और C4 है, C1 = C2 = C3 = C4 which = 4 microfarad, 5 दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि 5 सीधे कट ही जाएगा जब सारी वैल्यू इक्वल है तो, क्लियर। अब ये कहता है फर्स्ट लूप हटा दो, सेकंड हटा दो, 5 हटाओ, 3 हटाओ, 4 हटाओ और ये 6 हटाओ, सारी वैल्यू जो है 4 4 है और ये गिवन है, और क्वेश्चन ये आया फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी इक्विवेलेंट निकालना है, क्या करोगे, पहले इसका एक नया डायग्राम बनाओगे, ये रहा बन गया, उसके बाद में बताओ ये C1 था, C1 कितना है, 4, C2 कितना है, ये कितना है, ये कितना है, 4, अब चेक करोगे बैलेंस है या नहीं है, बताओ चेक क्या करते हैं बेटा, आई नो पढ़े लिखे हुआ हो, 1/1 दिख रहा है, बट स्टिल चेक करो, बताओ C1 जो है C2 डिवाइड में
फोर बाय फोर कितना आएगा, वन बाय वन। अगला रेशो क्या है, सी थ्री बाय सी फोर, फोर बाय फोर, देन वी गेट द वन बाय वन। इट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप लिखोगे हेंस सी फाइव क्या कर दोगे, सी फाइव इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, सी के टी मीन्स सर्किट होता है। तो आप सी फाइव को हटाओगे, अब एक नया डायग्राम बनाओगे। इतना लंबा हर बार नहीं करना है, बस प्रैक्टिस में एक बार कर लेना। अब यह है नया डायग्राम क्या आएगा, बीच वाला हटा के तो यहां बना रहे। पहले ये हो गया क्वेश्चन, आंसर में पहले ही कर लोगे, ये करोगे उसके बाद में क्या करोगे, बीच वाला हटा दिया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए और ये क्या है बी, सी वन है चार, सी टू जो है चार, सी थ्री चार, ये भी चार। बताओ ये किसमें, सीरीज का फॉर्मा सबको आता होगा, ये दोनों किसमें सीरीज। उसके बाद में ये ऊपर एक आएगा नीचे एक आएगा, दोनों किसमें होंगे पैरेलल। तो डायग्राम क्या बनेगा, एक काम करते हैं स्क्वायर बॉक्स बना लेते, अच्छा लगेगा देखने में। भाई ट्रायंगल को स्क्वायर भी तो कर सकते हो। बताओ नीचे क्या है, एक बचेगा, ये ए और ये बी, अब किसमें होंगे पैरेलल, हो गया सॉल्व। और ये घर जाके करना है ठीक है, पूरा कैलकुलेशन अभी सिर्फ नोट कर लो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैल्यू चेंज कर देते बस, घर से करना बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारे बच्चे पेन छोड़ दो। सीवन जो है ये मान लीजिए नौ है, नौ नहीं छह लेते हैं, ये बारह है माइक्रोफेरेड, ये नौ है, सेम डायग्राम है ठीक है, ये अट्ठारह है, रेशो सेम है बिल्कुल, छः बारह नौ दो, ठीक है, नौ दो मीन्स नौ अट्ठारह, दो बार में कट जाएगा। सी फाइव जो है चौबीस है, कितना है चौबीस, यह होता सी फाइव तो रिमूव हो ही जाएगा। पहले हमेशा नया डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में रेशो चेक करोगे। अब तो इतनी प्रैक्टिस होगी, मत करना, चेक मत करना, लिखना ही मत, सीधा हटाना, सीधा आंसर निकालना, कहना आ गया, खुद चेक कर लो, खुद नंबर दे दो। धन्यवाद सब, अगर गुड नाइट, गुड नाइट मीन्स इस न्यूमेरिकल का गुड नाइट, अभी और करेंगे भैया न्यूमेरिकल, लपेटो। आइए थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक घर से करना है, एक मैं कराऊंगा, ध्यान से सुने और इंपॉर्टेंट भी है। बड़े सारे बच्चे ऊपर देख लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा और इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कुछ नई चीजें समझाओगे। मान लीजिए ये जो है दो है, बड़े पीछे आवाज आ रही है, ये जो है चार है, ये तीन है, क्योंकि कुछ नया तो है नहीं फील लो, ये जो है छह है और ये पांच है। अगर ऐसा क्वेश्चन है और कहा सी इक्वलेंट निकालो, निकाल ही लोगे। तो पहला क्वेश्चन है सी इक्वलेंट निकालना, जो कि घर से करोगे। सी इक्वलेंट ए और बी एंड के बीच की बात हो रही है, ये निकाल लोगे, ये हो गया होमवर्क। रेशियो देखो वन बाई टू, वन बाई टू, इसे रिमूव करोगे, सीरीज सीरीज पैरेलल सॉल्व। अगला क्वेश्चन ये है जो कि मैं कराने वाला हूं, चार्ज ऑन सी थ्री, सी फाइव, सी टू, इन पे चार्ज निकालना है, क्लियर। इस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, चार्ज कितना होगा। अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे रेखा है वी पता लगाएंगे, परंतु यहां एक और चीज गिवन है, ध्यान से देखना। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, यहां जीरो है, अर्थिंग है मतलब, तो इधर 15 है इधर जीरो है, डिफरेंस कितना है 15 का, लाजमी है। इसका नया सर्किट बनाएंगे, बताओ सी फाइव को रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद जो सर्किट बनेगा उसे बना रहे हैं। अच्छा मैं ट्रायंगल की जगह स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ ठीक है, दिखाने के लिए, ये ऐसे करके, एक ऊपर के दोनों सीरीज में थे ना तो ऐसे बना दिया, ये नीचे के दोनों भी सीरीज में थे, याद करना। एक पॉइंट ये ए, एक पॉइंट ये बी, वास्तविकता में बी पॉइंट यहाँ बना सकते हो, ए पॉइंट यहाँ बना सकते हो, यानी इधर से लेके इधर का डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट। तो
इधर से लेके इधर का डिफरेंस कितना होगा? 15 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। ये कितना था? दो, दो है। और ये कितना है? चार। ये C3 है कितना है? तीन। C4 कितना है? छः। किस किस में निकालना है? C5 पे तो हटाई दिया, जीरो होगा। याद करो वो चार्ज स्टोर नहीं होता उसमें। C5 पे कोई भी चार्ज स्टोर बढ़ाया था ना, नो चार्ज स्टोर इन C5, तो उसे रिमूव करते हैं। तो रीजन क्या भी पूछे, क्या है? पोटेंशियल सेम होता है जी। उसका रीजन पूछे तो क्या बोलोगे? रेशियो सेम आए। तो इन शॉर्ट आपको इतना लंबा लिखना नहीं है, आप लिखना है चार्ज ऑन C5 कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर? बचा क्या? C3 और C2। बताओ C3 ये रहा। अच्छा C4 पे पूछे और C3 पूछे, बात सेम ही है। यानी इस वाली लाइन पे चार्ज क्या हुआ? सेम। C3 बोल रहे इधर बोले, इधर बोले, निकाल लेंगे। अगला बोल रहा है C2 पे, C2 पे या C1 पे? C2 पे। यानी इधर चार्ज निकालना है, जो इस पे होगा वो इस पे होगा। कैसे निकालें? इस वाली ब्रांच का चार्ज निकालो, इस वाली ब्रांच का चार्ज निकालो। इसे भी तोड़ रहा हूँ आपके लिए, दिखाने के लिए। एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा। इधर से इधर का 15 वोल्ट है, वो C1 है और ये क्या है? C2 है। ये चार है और ये क्या है? दो है। इस वाली ब्रांच का चार्ज निकालना है, मान लो Q1 है यहाँ पे, समझने के लिए। यानी इस वाली ब्रांच में मेरे को चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला होता क्या है? CV। तो C इक्विवेलेंट आएगा। V कितना है यहाँ से? यहाँ 15। बताओ C इक्विवेलेंट यानी सीरीज में होंगे, क्या होंगे? सीरीज में। 1 बाई टू, 1 बाई फोर एलसीएम आया, चार ऊपर आएगा, कितना? दो। और कितना आ गया? 4 बाई, 4 बाई थ्री आ गया। पक्का? C इक्विवेलेंट कितना आया? 4 बाई थ्री आया। V कितना है? 15। तीन पाँच बीस, 20 माइक्रो कूलम आ गया आंसर। चेक कर लेना एक बार, 4 बाई थ्री है या नहीं है। ये 15 है, ये 4 बाई थ्री है, इससे काटेंगे 5 और 5 4 20। यानी चार्ज जो है इस वाली ब्रांच में कितना है? 20 है। इसमें ही 20 होगा, इसमें 20 होगा, निकल गया, पता लग गया। अच्छा अगला वाला नीचे वाली ब्रांच की बात करते हैं। बताओ नीचे वाली ब्रांच को देखें, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा। इतना डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर लेना। बताओ एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, ये C3 है तीन, ये C4 है छः, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में। बताओ यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल कितना? 15 वोल्ट। Q इज इक्वल टू सी बी। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? निकाल लोगे तीन और छः का, 1 बाई तीन, 1 बाई छः, एलसीएम आया छः, तो सॉल्व कर लोगे। V कितना है? 15 है। सॉल्व करोगे आंसर आएगा क्यों? जो इस वाली ब्रांच पे चार्ज आएगा वो इस पे होगा, वो इस पे होगा, जिस पे पूछेगा बता देंगे आगे। अच्छा सीरीज पैरेलल सबको आता है, पूरे डिटेल क्वेश्चन बता दिए। और एक क्वेश्चन नंबर चौथा होमवर्क, ध्यान से देखना, चौथा यहाँ पे घर से करना है। ये 100 वोल्ट की सप्लाई है, 100 वोल्ट याद रखना ऊपर के लिए। ये 10 माइक्रोफेरेड है यहाँ पे, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ये भी 10 है और लास्ट वाले भी 10 है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द एंड ए एंड बी एक्स एंड वाई। पता है क्या करना है? धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट।